हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक न्यू वीडियो। मैं बनाने जा रही हूँ गाइस गुजिया। गुजिया बनाने के लिए 1.25 किलो मैंने खोया लिया है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप जगन्नाथ जी की पूजा में भी गुजिया बना सकते हैं इस तरीके से। तो गाइस खोया को इस तरीके से जब ले लेंगे, तब आपको इसको कढ़ाई रखेंगे गैस के ऊपर और खोया को गुलाबी हल्का ब्राउन फ्राई कर लेंगे। तो इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं करना है, बस लो फ्लेम पर करना है। इस तरीके से खोए को फोड़ देना है, और फोड़ने के बाद इसको करछली से इसको अच्छे से चलाना है। और चलाने के बाद जब इसको चलाएंगे तो इसकी जो गुठलियाँ जो हैं आपस में जो मिक्स हो जाएंगी, और ये पिघल जाएगा, और पिघलने के बाद एक सा मिक्स हो जाएगा। और जहाँ पर आपको गुठली दिखे वहाँ पर आप इस तरीके से करछली से इस तरीके से फोड़ दीजिए। तो सारा खोया इस तरीके से फोड़ सकते हैं। तो गैस को लो फ्लेम पर ही रखा है, और इस तरीके से खोए को चलाते रहेंगे और इसको गुलाबी गुलाबी फ्राई कर लेंगे। और इसमें ऑलरेडी घी रहता है, और घी क्वांटिटी ज़्यादा अच्छे नहीं आता है। अच्छी क्वालिटी का अगर खोया होगा तो उसमें घी ज़्यादा निकलेगा। तो अगर आप देख सकते हैं इसमें घी है, लेकिन इतना नहीं है कि ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हो। अगर आपके खोया में ज़्यादा घी है तो घी को थोड़ा सा निकाल लीजिए, नहीं तो आपका खोया थोड़ा सा पतला हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि गुलाबी हो चुका है। इस तरीके से अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है, और इसको चलाते रहेंगे। चलाने के बाद ये बहुत ही जल्दी गुलाबी हो जाता है। और गैस को लो फ्लेम पर रखना है, और इसको रख देंगे पंखे की हवा में और ठंडा कर लेंगे। तो ठंडा करने के लिए गैस गैस को ऑफ कर देंगे, और इसमें कढ़ाई ही पंखे के नीचे रख देंगे। तो लीजिए मैंने पंखे के नीचे अब इसको रख देंगे। तो ये ऑलरेडी अच्छे से फ्राई गुलाबी हो गया है। अब लेंगे गुजिया के लिए मैदा। जो मैंने मैदा लिया है 1.25 किलो, तो 1.25 किलो मैदा लिया है, और गुजिया में थोड़ी सी ज़्यादा ही लगती है, मोटी लेयर की थोड़ी सी बेली जाती है। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है, इसमें ऑयल की क्वांटिटी डालेंगे जो मैंने 1/4 कटोरी डाला है, फिर आधी कटोरी ऐड किया है। तो इस तरीके से ज़्यादा मोर नहीं डालना है, ना ज़्यादा कम डालना है। क्वांटिटी आप देख सकते हैं, इस तरीके से परफेक्ट गूंथ लेंगे। गूंथने के बाद खोया तो ठंडा हो रहा है, और इस तरीके से इसका डो तैयार कर लेंगे। तो डो गाइस उसी तरीके से तैयार करना है जिससे पराठे का डो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और पूरी का थोड़ा सा टाइट होता है। तो मठरी बनाते हैं, तो मठरी के लिए जैसे मैदा गूंथते हैं वैसा ही गूंदेंगे, और इसको सारी मैदा इस तरीके से गूंथ लेंगे, और थोड़ी सी निकाल लेंगे और उसमें डाल देंगे पानी, ताकि पतला घोल बना लेंगे, और इसमें गुजिया लगाने के लिए आसानी से आप बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने डो तैयार कर लिया है। तो परफेक्ट डो इस तरीके से आप बना सकते हैं। आप इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए। तो इसके लीजिए मैंने इसको ढक के रख देती हूँ, और ढक के रखने के बाद इसमें उंगली लगा देती हूँ। उंगली लगाने से क्या रहता है गाइस, ये जो होता है पिंडी टाइप का नहीं होता है, इसलिए उंगली लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से जब आटा माड़िएगा तो आप इस नेक्स्ट स्टेप को याद रखिएगा कि आप हाथों से उंगलियां जरूर बना दीजिएगा। तो गाइस हाथों में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, और इसको चारों तरफ लगाकर रख दिया है, और मैंने ये पतला घोल जो कटोरी में बनाकर तैयार किया है तो इसको भी अलग रख देंगे, और इसको 1 घंटे के बाद इसके मैदा को फिर से गूंदेंगे। तो गाइस 1 घंटा हो गया है, इस तरीके से रख दिया है। अब लेंगे मैंने लिया है चीनी, आप चाहें तो बूरा ले सकते हैं। तो चीनी और इलायची, और इलायची को डाल देंगे मिक्सर जार में, और चीनी को ग्राइंड कर लेंगे। तो आसानी से ग्राइंड हो जाता है। अगर आपके पास बूरा है तो बाहर से बूरा भी ला सकते हैं, अगर नहीं है तो चीनी को इस तरीके से पीस सकते हैं। तो मैंने 1/2 किलो समथिंग पीस लिया है, अब क्वांटिटी के अनुसार ही डालना है। तो गैस इस तरीके से महीन पीस जाता है चीनी, और जार को आप तुरंत धो के रखिएगा, नहीं तो आपका जार ख़राब हो जाएगा और ये चिपक गया। तो इसको डाल देती हूँ पानी के अंदर, और इस तरीके से चीनी परफेक्ट हो चुकी है, और खोया भी ठंडा हो चुका है। तो गैस खोया जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो एक बड़े परात में निकाल लेंगे। इस तरीके से मैंने निकाल लिया है। अब इस तरीके से दोनों हथेलियों की सहायता से इसको मैश करेंगे। तो इस तरीके से जब मिक्स करेंगे तो इसमें जो लम्स होते हैं, जो गुठलियाँ होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरीके से दोनों हथेलियों की सहायता से इस तरीके से मसलते हुए खोया को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए मिक्स हो गया है, अब खोया को एक किनारे कर देंगे। जितना खोया है उतनी ही आपको चीनी डालनी है। तो चीनी थोड़ी सी ज़्यादा मैंने पीस ली है, थोड़ी सी कम डालेंगे इसमें। तो इस तरीके से मैंने खोए से थोड़ी सी ज़्यादा ही बूरा लिया है, दोनों को मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें चिरौंजी, इलायची, इस तो ऑलरेडी डाल ही चुकी हूँ, किसमिस, अगर चाहें तो गरी का बुरादा नहीं डालिएगा, क्योंकि गुजिया जो है ख़राब हो जाती है। आपको लंबे समय तक खाना है तो गरी का बुरादा यूज़ नहीं कीजिएगा, और तुरंत खानी है तो आप गरी का बुरादा भी डाल सकते हैं। तो उस गरी का बुरादे की जो होती है गुजिया, आपको 8 दिन के अंदर ही ख़त्म करनी होगी, और इसको आप 10 दिन तक रख के खा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने मावा अंदर मसाला भरने के लिए तैयार कर लिया है। तो इसको रख देंगे किनारे, अब बनाएंगे गुजिया के लिए मैंने साँचा लिया है। तो इस तरीके से चाहे तो आप गोल ले सकते हैं, चाहे तो गुजिया का साँचा जो होता है इस तरीके से बाज़ार में मिल जाता है आसानी से,
तो लीजिए गुजिया बनाने के लिए मैंने इस तरीके से लोई ले ली है। लोई को इस तरीके से बेलेंगे और बेलने के बाद इसको बड़ा ही बेलना है क्योंकि आगे की जो पूड़ी होती है वो कट जाती है। तो इस तरीके से पूड़ियाँ जो मैंने बेल ली हैं, बेलने के बाद मैंने लिया सांचा और सांचे को इसके ऊपर रखेंगे गुजिया के ऊपर। पूड़ी बेली हुई और चारों तरफ जो मैंने घोल तैयार किया था वो इस तरीके से लगा देंगे। और घोल लगाने से क्या रहता है कि गाइस गुजिया फटती नहीं है और इसकी जो चिपचिपाहट से खुलती नहीं है और आपका घी ख़राब नहीं होगा और गुजिया आपकी परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। तो लीजिए गुजिया बनकर तैयार हो गई है। इस तरीके से आप गाइस गुजिया बना सकते हैं और मैंने हाथ से भी गूंथ के आपको दिखाई थी गुजिया, हाथ से भी आप गूंथ सकते हैं। जो मैंने गुड़ सॉर्ट की गुजिया बनाई थी तो उसमें मैंने हाथ से गूंथ के दिखाया था, आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरीके से गुजिया आप सारी बना सकते हैं। आपको गुजिया बनाने की ट्रिक कैसी लगी, आप चाहे तो गोल भी बना सकते हैं। इस तरीके से रख लेंगे लंबी पूड़ी बेल कर और मैदे का घोल जो मैंने बनाया है। तो फुरैरी से आप लगा सकते हैं, फुरैरी मैंने यूज़ नहीं किया है गाइस, उसमें रुई होती है तो रुई के अगर रेसे आ जाते हैं तो बहुत ही नुकसान करते हैं। तो आप उंगली से ही लगाइएगा और वर्ड्स इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। वर्ड्स लगाने से क्या रहता है, रुई की लेयर वो जो रेसे होते हैं वो लग जाते हैं। तो मैंने उंगली से ही लगाया है और इस तरीके से गुजिया मैंने सारी बनाकर तैयार कर ली है। और बनाने के बाद गुजिया को ढक के रखना है, आपको कंबल में या चादर में इस तरीके से ढक दी है सारी गुजिया। और मैंने एक एक थाली करके निकालेंगे और इसको पूड़ी के तरीके तलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने हाथ से भी गूंथ के बनाई है गुजिया और इस तरीके से हाथ से गूंथ सकते हैं। और गैस को ऑन करेंगे और उसमें रखेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, ऑयल क्वांटिटी ठीक परफेक्ट होनी चाहिए और पास में रख देंगे पानी का लोटा या गिलास में पानी ताकि ऑयल आपका कम लगेगा। तो आप छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो दादी नानी के ज़माने से जो करते हैं त्यौहार में या पूड़ी चढ़ाते हैं या पूड़ी बनाते हैं तो पास में पानी भरकर रख लेते हैं। तो एक एक करके सारी गुजिया इस तरीके से डाल देंगे और डालने के बाद इसको अपने आप ही ऑलरेडी पलट जाती है। अगर नहीं पलटती है तो आप इसको करछली से बहुत ही आसानी से बहुत ही धीरे से आप इसको पलटिएगा और पलटने के बाद इसको दबा दीजिएगा कोई करछली पौनिया जो होती है। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी करके भी आप तल सकते हैं और मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी है। तो इस तरीके से गुजिया ऑलरेडी ज़्यादा है इसलिए मैं फटाफट गुजिया तलूँगी। और इस तरीके से इसको एक तरफ सेकने के बाद इसको गैस को मैंने हाई फ्लेम पर रखा है और इस तरीके से पलटते रहेंगे। तो इस तरीके से गैस आप जगन्नाथ जी के प्रसाद में आप गुजिया बना सकते हैं और होली पर भी आप इस तरीके से गुजिया बना सकते हैं जो कि ऑलरेडी इस तरीके से परफेक्ट गुजिया बनकर तैयार हो गई है। और आप सभी लोग होली पर गुजिया खाइएगा, अगर चाहे तो आप होली के बाद भी अगर मन चलता है तो इस तरीके से आप गुजिया बना सकते हैं। तो इस तरीके से गुजिया परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है, दोनों तरफ अच्छे से फ्राई हो गई है, गुलाबी गुलाबी मैंने इस तरीके से बनाई है। थोड़ा सा कच्चा अगर मैदा रह जाता है तो नुकसान करता है, तो गाइस इसको गुलाबी ही फ्राई करना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये गुजिया ऑलरेडी मेरी फूट चुकी थी तो इसलिए थोड़ा सा घी ख़राब हो गया है। अगर आपका घी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है तो इस तरीके से सारी गुजिया आप निकाल लीजिए और निकालने के बाद जो ऊपर की तरफ जो खोया फूट कर गुजिया बिखर जाती है तो उसमें से इस तरीके से निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको फेंक देंगे। फिर से आप चाहते छन्नी से छान सकते हैं। इस तरीके से मैंने ऊपर का सब निकाल दिया है जो मावा फैल गया था और गुजिया इसी तरीके से तल लेंगे। तो इसी तरीके से सारी गुजिया मैंने लीजिए फ्राई कर ले रही हूँ और एक एक करके डालेंगे। और ये वाली गुजिया देखो आप देख सकते हैं कि नहीं फटी हुई है, अच्छे से अगर आप नहीं दबाएंगे तो गुजिया फट जाएंगी और आपका घी भी बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करछली से फिर निकाल लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फट गई तो क्या करेंगे, घी को इस तरीके से मावा जो है ऊपर से निकाल दिया था। तो आप दूसरी इसी तरीके से सारी गुजिया फ्राई कर लेंगे और ये बनकर तैयार हो गई हैं। आपको गुजिया की रेसिपी कैसी लगी, आप कौन से शहर से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। और आपको मेरी गुजिया की रेसिपी कैसी लगी तो कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो आपकी सहायता से आप मेरा चैनल मोनेटाइज तो हो गया है, बस जो मेरे पास सिल्वर बटन आएगा वो भी मैं आपको कमेंट में वीडियो अलग से बना कर दूंगी। इस तरीके से बनकर गुजिया तैयार हो गई हैं और आप बताइएगा गुजिया मेरी कैसी बनी है कमेंट में बताइएगा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी होली। आसली को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।